हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अनामिका धैया, वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आर टुडेज टॉपिक इज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ आर डीएलएड साइकोलॉजी बुक ऑफ सेकंड ईयर। इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होती हैं। दो टाइप की थ्योरी मैं आपको बताऊंगी और उनके बायफर्केशन भी बताऊंगी, उसके बाद हम थ्योरीज को वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, सो थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या हैं? लर्निंग क्या होती है? सबसे पहले आपका कुछ भी सीखना, लर्न करना, ग्रास्प करना, किसी नॉलेज, किसी इंफॉर्मेशन को लेना ही हमारी लर्निंग कहलाती है। तो हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना है, उन्होंने अपने लॉज दिए हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज परस्पेक्टिव के बारे में बताया, नेचर के बारे में बताया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि थ्योरीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। किस कौन सी थ्योरी को? लर्निंग थ्योरीज को। फर्स्ट है हमारी कौन सी कैटेगरी? कनेक्शनिस्ट और एसआर थ्योरी, जिसे बोला जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और दूसरा है हमारा कॉग्निटिव और फील्ड थ्योरी। तो हमारे पास लर्निंग के कौन से दो प्रकार हैं? कनेक्शनिस्ट, एसआर थ्योरी और कॉग्निटिविस्ट और फील्ड थ्योरी। एसआर थ्योरीज के अंडर कौन सी आएंगी? देखो, एसआर थ्योरीज नाम से समझ आ रहा होगा, मैंने आपको कहा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, ये थ्योरी अटेम्प्ट करती है कि आपकी लर्निंग को कैसे स्ट्रेंथन करना है, हमारी जो भी लर्निंग है उसकी क्षमता कैसे बढ़ानी है। और क्योंकि हमें कनेक्शन जानना है स्टिमुली के ऊपर, स्टिमुलस का रिस्पोंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे ये एक दूसरे के तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम बच्चे को कोई गिफ्ट दे देते हैं तो कैसे वो अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इन्हेंस करता है, अपनी लर्निंग को और ज्यादा इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे हम रीइन्फोर्समेंट के बारे में भी जानेंगे। एसआर थ्योरीज के अंडर कौन कौन सी थ्योरीज है हमारी? थोरनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन तीनों थ्योरीज के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज कौन से है हमारी? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मतलब हमारे कॉग्निशन से जो रिलेट करते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का नहीं है, यहाँ पे आपके पूरी मेंटल एबिलिटीज का है। तो इन थ्योरीज में साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में लिंक किया है हमारी किसने, एसआर थ्योरी में। जबकि कॉग्निटिविस्ट थ्योरी क्या कहते हैं, यहाँ स्टिमुलस की नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उनके माइंड की, और उनके माइंड का फ्रेमवर्क कैसे है, कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिस्टिंग्विश कर सकता है। फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट लर्निंग इन्वॉल्व परसेप्शन, परसेप्शन की बात करी गई है कि हम किसी चीज को क्या परसीव करते हैं, कैसे प्रोसेस है और कैसे हम एसिमुलेट करते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुई, उनकी डिस्कवरी के बारे में पूरी बताई गई है। किसके द्वारा? साइकोलॉजिस्ट लर्निंग थ्योरी के द्वारा। तो कॉग्निटिव लर्निंग इज अ इफेक्टिव वे ऑफ फोस्टरिंग अ लाइफ लॉन्ग लव ऑफ लर्निंग, मतलब यहाँ पे लर्निंग के लव के बारे में बात हुई है और कैसे आप इसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बाई यूजिंग योर मेंटल आस्पेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटजी कैन बी यूज टू इम्पैक्ट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप कॉग्निटिव लर्निंग की बात करोगे? ये इन्हेंस करेंगी आपके कॉम्प्रीहेंशन को, आपकी समझ को बढ़ाएंगी, आप कैसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होगी, किसी कार्य को करने के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का विकास होगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेंगी, और कोर स्किल्स हैं जो हमारी जो इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ को जीने के लिए, वो इन्हेंस होंगी और हमारे लाइफ का एस्पेक्ट्स भी इन्हेंस होंगे। कॉग्निटिविस्ट थ्योरी में एक चीज और है जो हमारे, अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप उन्हें कैसे डील करोगे और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में उनसे कैसे आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। ये इंक्रेज करेंगे आपकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग को कि नॉलेज जो है, प्रायर नॉलेज आपकी न्यू नॉलेज को इम्पैक्ट करती रहे और इसके साथ साथ हम अपनी आगे की नॉलेज को क्या कर पाए, अपनी आगे की नॉलेज को ले पाए। नेक्स्ट हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज प्रमोट लव ऑफ लर्निंग। कॉग्निट, अगर आप स्ट्रेटजीज अच्छी बना लेते हो तो आप बच्चों को एक्साइटेड रख सकते हो और उनकी जो डे टू डे लाइफ है, उनकी नीड्स है, उनको फुलफिल कर सकते हो, इवन उनके एनवायरमेंट से उनके एक्विजिशन को जोड़ सकते हैं। सो इस जो हमारी ये वाला टॉपिक था, हमने सिर्फ ये जाना है कि हमारी लर्निंग थ्योरी किस प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे दो प्रकार की थ्योरीज होते हैं, या तो कनेक्शनिस्ट और जिसे एसआर थ्योरी बोला गया है, और दूसरा हमने मैंने बताया आपको कि कॉग्निटिविस्ट थ्योरी आर ऑल्सो देयर। इनके फायदे क्या है, लर्निंग इन्हेंस होती है, बूस्टअप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आपकी एप्लीकेशन इन्हेंस करते हैं। तो ऐसे करके बच्चों के कॉग्निशन को इन्हेंस करने की कोशिश की जाएगी और नेक्स्ट क्लास से हम अपनी वन बाय वन करके थ्योरीज को डील करेंगे। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye-bye. Take care.